हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैग विथ रवि चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एल जी जी एट थिन क्यू स्मार्टफोन की। इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है, कैसा कैमरा मिलने वाला है, किस तरह का प्रोसेसर मिलने वाला है और डिस्प्ले इसकी कैसे होने वाली है और कितनी रैम इसमें होगी, ये सभी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं एल जी जी एट थिन क्यू स्मार्टफोन की। इसमें आपको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं इसमें मिलने वाला, क्या इसमें अच्छी बात है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इसके कैमरा की। तो कैमरा इसमें ट्रिपल लेंस प्राइमरी कैमरा इसमें मिलने वाला है, 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का। और इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। यहाँ तक इसकी रैम की बात करें तो इसमें 6 GB रैम मिलने वाली है, जो काफ़ी अच्छी होने वाली है। स्टोरेज की इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, 128 GB इसमें स्टोरेज मिलने वाली है। इसमें इस प्रोसेसर की बात करें तो इसमें प्रोसेसर आपको लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 मिलने वाला है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है ये और इसमें 3G 4G सिम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वॉलिटी सपोर्ट इसमें है। और इसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जैसे गोरिल्ला ग्लास भी आपको मिलने वाला है, FM रेडियो भी इसमें मिलने वाला है। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले इसमें मिलने वाली है और डिस्प्ले इसमें जो है 6.1 इंचेस की मिलने वाली है, जिसका रेशियो 1440x3120 पिक्सल की इसमें डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड पाई मिलने वाला है और ये 3 कलर में है, रेड ब्लैक और ब्लू कलर में ये उपलब्ध है। और इसके स्टेटस की बात करें तो 2019 में ये आ सकता है ये फ़ोन। इसके वेट की बात करें तो 167 ग्राम इसका वेट है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, काफ़ी हल्का सेट है, ये हल्का स्मार्टफोन है तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वन एंड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी इसकी डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो आजकल बड़ी डिस्प्ले वाले ही फ़ोन आ रहे हैं। OLED टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है डिस्प्ले में, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके GPU की बात करें तो GPU इसमें एड्रीनो 640 मिलने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप इसकी एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो 2 TB तक इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें microSD कार्ड सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2 TB स्टोरेज में आप गेम गैलरी वीडियो जो भी आप चाहें वो स्टोर कर सकते हैं और आपकी स्टोरेज कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसके अलावा अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो काफ़ी अच्छा कैमरा होने वाला है, क्योंकि 3D ड्यूल सेल्फी कैमरा ये होने वाला है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें अपर्चर जो मिलने वाला है 1.9 मिलने वाला है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी सेल्फी मिलने वाली है। इसके अलावा और भी चीज़ों की इसमें बात करें तो इसमें 4G 3G 2G सपोर्ट मिलने वाला है, इसमें वॉलिटी सपोर्ट मिलने वाला है, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी कंपास बैरोमीटर ये सेंसर मिलने वाले हैं। इसमें 3D फेस अनलॉक, क्विक चार्जिंग, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, ये सभी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। तो वाटर प्रूफ काफ़ी अच्छी बात है, पर मेरी सलाह ये होगी कि आप इसे पानी में डुबोने की कतई कोशिश ना करें, क्योंकि वाटर प्रूफ का मतलब है बरसात में आपका फ़ोन सिक्योर रहे, तो बरसात में आपको कोई चिंता करने वाली नहीं है अपने फ़ोन की। और आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसके बारे में इसके स्पेसिफिकेशन आपको कैसी लगी, कैमरे के बारे में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कहाँ तक आपको ये फ़ोन पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।